वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इजी और यूनिक सैफरन मिल्क केक की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधे कप अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि वो रूम टेम्परेचर पे हो। सारी चीज़ें यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ कप मिल्क लिया है, हाफ कप मैंने यहाँ पे शुगर लिया है पाउडर शुगर एंड हाफ कप मिल्क पाउडर। अब मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने थोड़े से गर्म पानी में ऐड करके रख दिया था 5 से 10 मिनट। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि एक स्मूथ बैटर ना बन जाए। एंड सी, हमारा बैटर जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। इस तरीके से इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं इस बैटर को केक टिन में पोर कर लूँगी जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है बटर पेपर लगा के। अब मैं इसे 8 से 10 बार टैप कर रही हूँ इस तरीके से जिससे कि इसकी सारी एयर जो है वो निकल जाए। मैं इसे गैस तंदूर में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो ओवन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बेक होने में ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स लगे थे। आप 20 मिनट्स के बाद चेक कर सकते हैं और अगर ये बेक ना हुआ तो आप 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं इसको। एंड सी, ये एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। देखिए कितना फ्लफी है ये। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैं यहाँ पे केसर मिल्क प्रिपेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन में 1 कप दूध डालें, 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 कप क्रीम। अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। एंड हमें यहाँ पे इसको बॉयल नहीं करना है, सिर्फ इसे तब तक कुक करना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। अब मैं यहाँ पे केसर ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने थोड़े से गरम दूध में ऐड करके रख दिया था। दोबारा से अच्छे से चला लें आप इसको। एंड सी, ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब हम इस कंसिस्टेंसी में गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ पे एक नाइफ की हेल्प से केक को प्रिक कर रही हूँ। आप चाहें तो एक टूथपिक या फिर फोक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करने से जब हम अपना केसर मिल्क इसमें ऐड करेंगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं यहाँ पे इसमें दूध पोर कर रही हूँ। आपको पूरा दूध पोर नहीं करना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जितना ये एब्जॉर्ब कर ले उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मिल्क ऐड करें। आप चाहें तो इसमें ऊपर व्हिप्ड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी जब तक ये सारा मिल्क एब्जॉर्ब ना कर ले। एंड दैट्स इट, इट्स रेडी टू सर्व। इंजॉय। Do try this recipe and let me know in the comment section below, and don't forget to like, share and subscribe.